किसान यूनियन टिकैत ने जिलाधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री को किया ज्ञापन प्रेषित। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रवक्ता मोहम्मद इकबाल ने सरकार से अपील की है कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान किया जाए, जिससे उनको अपनी फसल छोड़कर कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि मेरा नाम हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट है, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत। मामला ये है, जो दिल्ली में बॉर्डर पर किसानों को रोका जा रहा है वो गलत है। प्रजातांत्रिक रूप से उन्हें जाने दिया जाए और उनकी बात को सुना जाए, उनकी मांगे पूरी की जाए, दमन की कार्रवाई ना की जाए किसानों के साथ। क्या मांगे? दूसरी मांगे तो हमारी जो है वो पूरी करें, MSP का कानून घोषित करें, जो भी किसान मांग कर रहे हैं वो पूरी करें। जो वायदे किए मोदी जी ने वो किसानों के सारे पूरे होना चाहिए जो मांग है। दूसरी मांग ये है, यहाँ की जितना आवारा पशु है, गाय और सांड, इनको आवारा पशु जो जंगल से बाहर रहता है वो आवारा पशु है, जंगल में रह रहा है वन क्षेत्र में वो वन का पशु है। तो आवारा पशु की परिभाषा ही गलत है, सरकार नहीं समझ पा रही है। आवारा पशु वो पशु हुआ जो मैदानी क्षेत्र में किसानों के खेतों में घूम रहे हैं, वो है जंगली आवारा गाय, आवारा सांड और आवारा बंदर और आवारा नीलगाय बनरोस और आवारा जंगल का सुअर। ये चारों किस्म के जानवर किसान की फसलों को पूरा चट कर दे रहे हैं और किसान जो है मजबूरी में जब उसकी फसल सब नष्ट हो जाती है तो वो अपना आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसकी लागत लौट के नहीं आती, कर्जा लेके वो फसल करता है, खाद बीज पानी सब महंगा है और उसको जब कोई चीज लौट के नहीं आ रही है पैसा, वो क्या करे। और योगी जी मोदी जी कह रहे हैं किसान की आमदनी दोनी होगी, किसान खुशहाल होगा, हम उनकी इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक ये पशु रहेंगे चारों किस्म के तब तक जो है किसान खुशहाल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, एक अधिकारी नोडल अधिकारियों को नियुक्त जिले में किया जाए, प्रत्येक जिले के अंदर वो इन पशुओं से निजात दिलाने का काम करे। जब जंगली गाय और बंदर को तो पकड़ के कहीं इंतजाम कर दिया जाए, जो नील गाय और जंगल का सुअर है इनके लिए शासन आदेश स्पष्ट है कि शूटिंग परमिट जारी किए जाए, अधिकारी इनको नहीं जारी करते, इधर उधर भागते रहते हैं। जो नोडल अधिकारी हो वो इनका शूटिंग परमिट जारी करे, इन जानवरों से निजात मिलने पर खेतों में हरियाली पेड़ पौधे, जो करोड़ों पेड़ पौधे सरकार हर साल लगाती है उत्तर प्रदेश में, वो सब हरे भरे रहेंगे, उन सबको भी ये नष्ट कर देते हैं और किसानों की फसलें खुशहाल होंगी, किसान खुशहाल होगा और ये उदारता का परिचय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे। इधर जो वृद्धा है जिसका कोई सहारा नहीं, बेड पे पड़े हुए हैं, उनको पेंशन रोक दी है कि उनका आधार पे मोबाइल नंबर नहीं है, बैंक से KYC नहीं है। अभी माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने व्यवस्था दी है कि KYC वो आधार नहीं है जिसके पास, उसको पेंशन पहुंचाई जाए। अब जिला प्रशासन उनका उनके यहाँ पर लेखपाल को भेज के या किसी अन्य व्यक्ति को भेज के उनकी जाँच कराए, उनकी पेंशन उनके बैंक खातों में डलवाई जाए जल्दी से जल्दी। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद।